कौन जीत रहा है यूपी, सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध कब तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाए कोई नहीं जानता। कई भारतीय छात्र नागरिक इस वक्त यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। जिन बंकरों में इस वक्त ये नागरिक जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं, उस वक्त सिर्फ मसीहा ही इनको बचा सकता है ना? और देश ने कोरोना के समय ही ऐसा मसीहा देख लिया था, नाम है सोनू सूद। अब सोनू सूद नए मिशन पर जुट गए हैं और वो है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालना। यूक्रेन में युद्ध के हालातों के बीच काफी बच्चे सुरक्षित लौट आए हैं और कईयों को लाने की तैयारी जारी है। इस युद्ध वाले हालात में एक बार फिर से सोनू सूद मसीहा बने हुए नजर आ रहे हैं। सोनू ने तो खुद इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन यूक्रेन से सुरक्षित आई मेडिकल स्टूडेंट ने बताया कि कैसे सोनू सूद और उनकी टीम ने मदद की। स्टूडेंट ने बताया कि उन्हें सोनू सूद की टीम ने सही गाइड किया और इसी वजह से वो भारत पहुंच पाई। तो सोनू सर की टीम ने हमें पल पल गाइड किया, जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो रात रात भर जग करके हमारी मदद कर रहे थे। और मैं थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सोनू सर का, जो उन्होंने ऐसी टीम बनाई जिसकी वजह से हम मतलब हमें हमारे अंदर उत्साह रहा और हमने अपनी हिम्मत बिल्कुल नहीं खोई। थैंक यू सो मच सर। सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, तब जाकर लोगों को पता चला कि सोनू सूद किस तरह से यूक्रेन में फंसे हुए बच्चों की मदद कर रहे हैं। सोनू सूद ने लिखा कि यूक्रेन में हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफी मुश्किल समय है, शायद अब तक का मेरा सबसे मुश्किल असाइनमेंट। सौभाग्य से हम कई स्टूडेंट्स को बॉर्डर पार कराते हुए सुरक्षित क्षेत्र में जाने में मदद करने में सफल रहे, आइए कोशिश करते हैं, उन्हें हमारी जरूरत है। सोनू सूद ने अपने पोस्ट में भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास को भी शानदार काम करने के लिए बधाई दी और उन्होंने लगातार सहयोग के लिए उनका धन्यवाद भी किया। वही एक दूसरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लक्ष्मण नाम का स्टूडेंट अपनी आप बीती शेयर करता हुआ नजर आ रहा है। लक्ष्मण कह रहा है कि 15 दिनों में आज उसे सुकून मिला है और ऐसा लग रहा है कि वो मौत के मुंह से बाहर निकल कर आ गया है। वो कह रहे हैं कि मैं कीव का मेडिकल स्टूडेंट हूं और ये सबसे सेफ प्लेस था। 15 दिनों पहले भी एम्बेसी ने हमें युद्ध के कंडीशन के बारे में नोटिस आया था, उसमें कहा गया था कि आप अपनी इच्छा के अनुसार जा सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप सेफ हैं तो आप रह सकते हैं। सभी ये कह रहे थे कि कीव सेफ है, यूनिवर्सिटी तो कह रही थी कि वॉर तो 8 साल से चल रहा है तो यूनिवर्सिटी थोड़े ही बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी खुली रहेगी और यूक्रेन का सिस्टम ये है कि 3 दिन अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है, इसलिए डरकर मैं नहीं आया। जब ये कंडीशन शुरू हुई, एम्बेसी ने कहा कि जिनके पास जो बॉर्डर था वहां से निकल जाइए, मेरे पास पोलैंड बॉर्डर था। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि पोलैंड बॉर्डर में 3 बॉर्डर हैं। मैं निकला और रात हो चुकी थी, बस ने मुझे 20 मिनट पहले उतार दिया। ठंड में बड़ी मुश्किल से हमने अपने लिए सेंटर ढूंढा, सुबह होते ही हम वहां से निकले और मेरे फ्रेंड ने वीडियो भेजा कि वहां मारपीट हो रही है, बच्चों के साथ गंदा सलूक किया जा रहा है। फिर मैं गया नहीं और लौटकर वापस आ गया। इसके बाद मेरा कॉन्टेक्ट सोनू सूद की टीम से हुआ, उनकी टीम ने मुझे गाइड किया और बताया कि कौन सा बॉर्डर सबसे सेफ है, जबकि उस बॉर्डर का मेंशन एम्बेसी ने किया ही नहीं था। मैं रात के 12 बजे निकला और तिरंगा लगा कर निकला। इसका असर ये हुआ कि झंडे को देखकर किसी ने मुझे रोका नहीं और हमें खाना भी खिलाया। फिर मैं वहां से सुरक्षित निकल गया और भारत पहुंच गया। सोनू सूद यूक्रेन से भारतीय छात्रों को बचाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये कोई पहली बार नहीं है जब वो देश की मदद करने के लिए आगे आए हों। कोरोना संकट के दौरान भी एक्टर सोनू सूद ने देश में कई लोगों के लिए बड़े पैमाने पर मदद की थी। सोनू सूद ने अपने मेहनत के बदौलत इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बनाई है। एक्टर के तौर पर भले ही उन्हें इंडस्ट्री विलेन के नाम से जानती हो, लेकिन कोरोना काल में सोनू सूद गरीबों के लिए मसीहा बने। सोनू सूद आज एक लग्जरी लाइफ जीते हैं, लेकिन करियर के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की। सोनू सूद अपने कई इंटरव्यूज में कहते हैं कि भले ही वो करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब एक्टर सिर्फ 5,500 रुपए लेकर मुंबई आए थे, लेकिन आज सोनू इंडस्ट्री में अलग पहचान रखते हैं। सोनू सूद की नेटवर्थ 130 करोड़ रुपए है। सोनू सूद ने फिल्म शहीद ए आजम से साल 2002 में अपने करियर की शुरुआत की थी। एक्टर की कमाई का मुख्य जरिया फिल्म और ब्रांड एंडोर्समेंट है। सोनू सूद अब तक करीब 70 फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी भाषाएं शामिल हैं। बात करें सोनू की आजकल की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, तो वो फिल्म पृथ्वीराज में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में सोनू के साथ अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर भी लीड रोल में।